क्या आपको पता है कि बाय का फुल फॉर्म क्या होता है और बिल्लियां अपनी मूंछों का इस्तेमाल कैसे और कहां करती हैं? और क्या आपको पता है कि क्यों ताजमहल को एक समय पर बांस से कर दिया गया था? आज आप बहुत ही गजब के फैक्ट्स जानने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नंबर वन, पहली बार टॉयलेट के फ्लश होने को साइको नाम की एक मूवी में दिखाया गया था और तब उसके ऊपर कई सारे विवाद हुए थे क्योंकि लोग इसे काफी एक्सप्लिसिट चीज मानते थे, यानी ऐसी चीज जो बच्चों को नहीं दिखानी चाहिए। नंबर टू, बिल्लियां अपने मूंछों का इस्तेमाल ये पता लगाने में करती है कि जिस जगह से वो निकलने वाली है उसमें वो फिट हो पाएंगी या नहीं और वहाँ से वो निकल भी पाएंगी या नहीं। बिल्ली की जितनी भी प्रजातियां हैं उन सभी की मूंछों का यही काम होता है। फैक्ट नंबर थ्री, रोल्स रॉयस कंपनी के मुताबिक उन्होंने आज तक जितनी भी कार्स बनाई हैं उसमें से 75% कार्स आज भी सड़कों पर मौजूद हैं। इससे पता चलता है कि इनके कार्स की क्वालिटी कितनी ज्यादा होती है। एक रोल्स रॉयस को बनाने में करीब 6 महीने का समय लगता है और ये इतनी लग्जूरियस होती है कि अगर आप इसके अंदर एक सुई को भी गिरा देंगे तो उसकी भी आवाज आपको क्लियर सुनाई देगी। नंबर फोर, मॉस्को जो रशिया की कैपिटल है वहाँ पर एक ऐसा थिएटर है जहाँ पर कैट्स यानी कि बिल्लियाँ एक्टर होती है और उन्हीं के जरिए पूरे प्ले को चलाया जाता है। खास बात यह है कि इस थिएटर को दुनिया के सबसे ज्यादा विजिट किए गए थिएटर में 5वां स्थान मिला है। फैक्ट नंबर फाइव, दुनिया में सबसे ज्यादा जंगली एरिया रशिया देश में मौजूद है क्योंकि ये बहुत ही विशाल है। अगर प्लूटो ग्रह से कंपेयर किया जाए तो रशिया उससे भी क्षेत्रफल में बड़ा है। फैक्ट नंबर सिक्स, टैरंटुला स्पाइडर इस दुनिया की सबसे फेमस मकड़ी में से एक है और ये बिना खाए 2 साल तक जीवित रह सकती है। ऐसे ही एक मुर्गी ने भी अपनी 1.5 साल की जिंदगी को बिना सर के गुजारा था। कॉकरोचेस भी बिना सर के करीब 1 हफ्ते तक जीवित रह सकते हैं। फैक्ट नंबर सेवन, जापान में चौको और तरबूज उगाए जाते हैं ताकि उन्हें लाने ले जाने में आसानी हो। ऐसा जापान अपनी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से कर पाया है जिसमें जीवित चीजों को ही पूरी तरह से बदल दिया जाता है। फैक्ट नंबर एट, इमानी मैम दुनिया के सबसे फास्टेस्ट रैपर हैं और ये और भी कई सारी असंभव दिखने वाली चीजों के लिए जाने जाते हैं। एक बार इन्होंने एल्बम के लॉन्च से मात्र 3 घंटे पहले एक गाने को लिखा, रिकॉर्ड किया और उसे एल्बम में ऐड भी कर दिया। बाकी आर्टिस्ट को ऐसा करने में 5 से 6 महीने लग जाते हैं। फैक्ट नंबर नाइन, डेड सी नाम का एक समुद्र है जहाँ पर आप कभी डूब नहीं सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समुद्र में पानी बहुत ही मात्रा में मौजूद है जिसमें कोई भी चीज उसके नीचे नहीं जा पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समुद्र में पानी बहुत भारी मात्रा में मौजूद है जिसमें कोई भी चीज उसके नीचे नहीं जा पाती और कभी भी डूब नहीं सकती। नंबर 10, एक नेशनल ज्योग्राफिक के सर्वे के मुताबिक हर साल सांपों से ज्यादा मौत मधुमक्खी के द्वारा की जाती है और अगर बात करें सबसे ज्यादा मौत की तो मच्छरों की वजह से सबसे ज्यादा मौतें होती है क्योंकि वो काफी सारी भयानक बीमारियों को कैरी करते हैं। नंबर 11, चीता मात्र 3 सेकंड में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच जाते हैं। वहीं दुनिया के सबसे तेज चलने वाली 2 सेकंड में 97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ पाती है, जो कुछ ही दिन पहले हुआ जब टेस्ला ने अपनी नई कार लॉन्च की। नंबर 12, ताजमहल को बनाने में बहुत ज्यादा पैसे लगे थे इसीलिए विश्व युद्ध 2 के समय इसे पूरी तरह से बांस से कवर कर दिया गया था ताकि ऐसा लगे कि ये एक बेकार सी जगह है और ताजमहल को कोई भी नुकसान न पहुंचे। अगर ऐसा ना किया गया होता तो शायद आज हमारे पास ताजमहल भी नहीं होता। नंबर 13, फेमस ई कॉमर्स साइट अमेज़न का नाम पहले अमेज़न नहीं था बल्कि इसका नाम कैडाब्रा था। आपने आबरा का डाबरा के बारे में तो सुना ही होगा। ये काडाब्रा शब्द इसी से लिया गया था। तब के लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी सुविधा थी क्योंकि वो घर बैठे ही शॉपिंग कर सकते थे और शायद इसीलिए इसका नाम ये रखा गया था। फैक्ट नंबर 14, मैक्सिको देश के एक समुद्र के नीचे एक नदी बहती है जिसका नाम है लिटिल एंजल। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि आखिर पानी के अंदर कैसे पानी बह सकता है, तो इसका उत्तर है इन दोनों वाटर बॉडीज की डेंसिटी अलग अलग है, यही कारण है कि ये बिल्कुल अलग अलग है। नंबर 15, क्या आपको पता है कि बाय का मतलब क्या होता है? खैर इसका फुल फॉर्म होता है बी विद यू एवरी टाइम, इसीलिए सब लोग बातचीत के एंड में बाय का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतने ही मजेदार फैक्ट्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए। आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।